वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने जियो फोन में जो आपका ब्राउजर आता है इसमें जो गूगल का सर्च इंजन होता है आप इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग से मेरा मतलब है कि भाई जैसे ये गूगल का सर्च इंजन है, मैं आपको स्क्रीन के पास ला के दिखा देता हूँ कि गूगल का जो सर्च इंजन होता है तो मान लीजिए इसमें कुछ सर्च करते हैं तो मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ भाई। और मैं इसमें सर्च कर देता हूँ यूट्यूब, तो ठीक है मैं इसमें यूट्यूब सर्च कर देता हूँ। तो मैंने यूट्यूब सर्च कर दिया तो देखिए बस ये एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन खुलता है। ट्रांजेक्शन से मेरा मतलब है कि बस देखिए जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, मान लीजिए भाई मैं ये इस पर क्लिक करके सर्च कर देता हूँ तो बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से खुल जाता है। अब क्या होता है कि भाई बिल्कुल जियो फोन में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। तो भाई हमारी जो वीडियोस होती है जियो फोन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की तरफ, उसको थोड़ा और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने की तरफ। वैसे तो काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि जियो फोन को हॉकी से फोड़ देना चाहिए, और आई एम प्रीटी सर्टन कि एक दिन हम जरूर बनाएंगे जियो फोन वर्सेस हॉकी पे भी एक वीडियो, पर फिलहाल तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो फिलहाल तो हम इसके ब्राउज़र के बारे में कुछ बात करते हैं। तो इसके ब्राउज़र के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक मैं आपको सिर्फ एक इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, छोटी सी ट्रिक है, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को यूज़लेस लगे पर देखने में क्या जाता है। तो भाई आपको यहाँ सिर्फ लिखना है डू, हम लिख देते हैं डू बैरल रोल, आपको यहाँ दिख जाएगा डू ए बैरल रोल, हम इस पर क्लिक करते हैं और आप देख लीजिए डू टिक देख लीजिए। तो हो सकता है कि शायद ये आपको कुछ लोगों को दिखाने के काम आए, कुछ लोगों का इससे इंप्रेस कर सको, खैर उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अब इतनी सड़ी सी वीडियो दिखा के मैं आपको ये तो बोलूँगा नहीं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है गाइस, हैव अ नाइस डे।